सिमेंटिक वर्चुलेशन की जानव से मैं मोहम्मद वसीम कैमटेसिया स्टूडियो की सीरीज में हम फर्जा मूव करते हैं कि किस तरह से जो कैमटेसिया स्टूडियो है उसमें हम जो वीडियो एडिटिंग है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपना जो कैमटेसिया स्टूडियो है उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं कोई फाइल इम्पोर्ट करता हूँ टाइमलाइन में, यहाँ से इसको मैं ड्रा करता हूँ टाइमलाइन पे इस तरह। तो इसे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, ऑडियो को डिस्कस करेंगे कि ऑडियो क्या है, किस तरह से हम जो अपनी वीडियो है इसकी ऑडियो इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो लेवल है डिक्रीज कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑडियो पे तो आप देखेंगे एनेबल वॉल्यूम। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम जो हमारी वीडियो है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लो। इसके बाद कस्टम सेटिंग आप अपनी मर्जी से भी उसको सेट कर सकते हैं। एनेबल नॉइस रिमूवल, अगर आपने कोई वीडियो बनाई है और उसके पीछे कुछ ऐसी नॉइस है जो कि आप जो आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनी, तो आप इसको अगर एनेबल करते हैं तो जो आपकी वीडियो के पीछे नॉइस है वो रिमूव हो सकती है। इसके अलावा एडवांस, यहाँ से भी आप जो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जो ऑडियो है इसको अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रिमूव क्लिपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा रिमूव क्लिप्स। अगर आप कैमटेसिया का रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो इस तरह जिस तरह के हाईलाइट किया हुआ है ये वाला माउस कर्सर, तो आप उसको भी रिमूव क्लिक कर सकते हैं। जिस तरह जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्लिक की आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसके ज़रिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसका जो वॉल्यूम है उसको डाउन कर सकते हैं, इस तरह यहाँ से इसको अप कर सकते हैं, इसके फेड कर सकते हैं इसको, कि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे आपकी जो वॉइस होगी वो स्लो होगी और आस्ता से वेरिएशन करेगी आपकी वॉइस, और फर्दर जो आपकी वॉइस है जो कि आपने वो चलेगी। फेड आउट कर सकते हैं ये लास्ट जब इसको हमारी वीडियो ख़त्म होगी, तो जिस तरह की स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी वीडियो स्टार्ट हुई है उसी तरह लास्ट पॉइंट पर हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा अगर साइलेंस मीन अगर आप अपनी जो ऑडियो है उसको बिल्कुल रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारी जितनी भी ऑडियो जो कि हमने वीडियो के दौरान रिकॉर्ड की थी वो रिमूव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो दोबारा नहीं आएगी जब तक मैं इसको कंट्रोल जी नहीं करता। कंट्रोल जी के लिए आप इसको दोबारा लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से भी इसको कम कर सकता हूँ नॉइस, या हमारी जो ऑडियो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिक जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हम जो ऑडियो इसको एडिट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से कट कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम लाइब्रेरी में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लिप स्पीड पे, तो यहाँ से हम जो अपनी ऑडियो है उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हम जितना चाहें इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं ओके करता हूँ तो जो हमारी ऑडियो होगी जो कि हमने रिकॉर्ड की होगी उसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद अगर मैं बायस पे राइट क्लिक करता हूँ तो आप इसको यहाँ से एक्सटेंड फ्रेम भी कर सकते हैं कि जो आपकी ऑडियो है आपकी वीडियो से अलहदा होके उसकी एक अलहदा न्यू लेयर बन जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो अलहदा हो चुकी है, इसके अलावा जो हमारी ऑडियो है वो अलहदा हो चुकी है। इसके अलावा जो हम अपनी जो ऑडियो है उसको भी यहाँ से मूव करवा सकते हैं, जो हमारी ऑडियो है वो हमारी वीडियो से लगा हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल लाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।